नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टनीजा वीडियो चैनल पर। एक बार फिर चंबल रिवर फ्रंट का वीडियो फुल अपडेट के साथ, और इस बार चंबल रिवर फ्रंट कंप्लीट भी हो चुका है। आप देख ही चुके हैं मेरे चैनल पर रिवर फ्रंट का जब से निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है उस टाइम से वीडियो चैनल पर लगातार आ रहा है, और लोगों की डिमांड पर ये एक साइड का फुल अपडेटेड वीडियो पूरे घाट दिखाए गए हैं इस वीडियो में। ये देखिए आप जिस प्रकार ये रिवर फ्रंट इस साइड पर कंप्लीट हो चुका है, बट अभी कुछ छोटा मोटा काम बाकी है। बट जैसे कि सब कंप्लीट हो चुका है, स्टेचू ये गन मेटल से बना हुआ स्टेचू जवाहरलाल नेहरू जी का, तो इस पर सीढ़ियाँ भी लगाई गई है, और इसके अंदर दो आंखें हैं जहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं सीढ़ियों पर, ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये नेहरू जी के फेस पर सीढ़ियों पर चढ़ा जा सकता है, और ये दोनों आंखों में से देख सकते हैं सामने की साइड जहाँ पर चंबल माता की मूर्ति, चंबल नदी और सामने का नज़ारा देखते ही बनता है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और ये फेस गन मेटल से बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये। आगे चलते हैं, ये बुक्स रखी हुई है यहाँ पर, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट अब चालू हो चुका है। टिकट अभी ऑनलाइन ही है, कोटा वासियों के लिए ऑनलाइन QR कोड जारी किया गया है जो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं चंबल रिवर फ्रंट kota.in पर, जहाँ से ये मैंने तो किसी और तरीके से ही निकाला है, किसी ने दिया है मुझे, तो मैंने कहा चले घूमे आते हैं चंबल रिवर फ्रंट पर। लोगों भी काफ़ी डिमांड कर रहे थे किसका फुल वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो बन चुका है एक साइड का, दूसरे साइड का भी बनाएंगे नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट साइड पर। ये देखिए किस प्रकार ये कंप्लीट हो चुके हैं। पहले भी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे ये ऐसे ही थे, बट अब लाइटिंग वगैरह और यहाँ पर पौधे वगैरह रख दिए गए हैं, तो फुली कंप्लीट हो चुका है ये घाट। ये यहाँ पर भगवान की चित्रकारिता की गई है दीवारों पर, और काफ़ी सुंदर लग रही है। कृष्ण भगवान, सावी भगवान है यहाँ पर, ये इस प्रकार ये काफी सुंदर चित्रकारिता है यहाँ पर। ये देखिए नीचे घाट पर लोग आनंद लेते हुए, नीचे भी छोटे छोटे मूर्तियां रखी हुई है, बट अभी नीचे जाना अलाउ नहीं है। ये शांति घाट, यहाँ पर शायद शांति मिल जाए, शांति घाट नाम रखा गया है इस पर। अभी कोटा बेरा से पानी छोड़ा गया आ रहा है, तो नीचे जाना अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी ने पहले ही मना कर दिया था, 500 रुपये जुर्माना है अगर नीचे जाने पर। अभी पानी छोड़ा जा रहा है, नीचे पानी आ भी गया था सुबह के टाइम, बट अभी तो नीचे उतर चुका है, तो इसलिए सेफ्टी के पर्पज से नीचे जाना अलाउ नहीं है, और जो चला भी गया 500 रुपये जुर्माना है अभी प्रेजेंट टाइम पर, फिर बाकी अदर समय पर तो जा सकते हैं। नीचे का भी अच्छा व्यू रहेगा घाटों का। ये देखिए ये स्टेचू बहुत शानदार है, का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो ये गायब होने वाली स्टेचू है, गायब होने वाला। वैसे कि तो ये नज़दीक से तो गायब होता नहीं है, बट ये दूसरे साइड से देखते हैं और सामने की साइड से देखते हैं तो ये क्या नज़र नहीं आता है, ब्लेडों से बना हुआ है ये इसलिए। और ये इमारतें, दीवारें काफ़ी नक्काशी की गई है, इन पर पेंटिंग की गई है, लाइटिंग डेकोरेशन से चमक उठा है रिवर फ्रंट। लाइटिंग का सबसे बड़ा योगदान है शाम के समय पर, और यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अभी खाने पीने का लिए कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, बाहर से भी लाना अभी मना है, और अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं,
आप आए तो पानी जरूर लाएं। ये सामने की साइड पर है घाट, ये नंदी घाट। नंदी घाट आप देख सकते हैं, एक ही बड़े सब पत्थर से निर्मित किए गए हैं नंदी जी, जो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। एक बड़ा सा पत्थर लाके रखा गया था यहाँ पर, उसको तराश कर एक नंदी जी बनाए गए हैं यहाँ पर। आगे देखिए आप, नंदी जी की तरफ चलते हैं हम। शिव मंदिर भी है यहाँ पर, शिव परिवार। पांच मंदिर है। और ये सिक्योरिटी जरूरी है यहाँ पर, लोग क्योंकि मानते नहीं हैं, अलग अलग चीज़ों को छेड़ते हैं। और ये नंदी जी का नज़ारा, नंदी जी पीछे से हैं, एक अभी काफ़ी तरह से अच्छी तरह से बन चुके हैं ये। और यहाँ पर ये नटराज जी की शायद मूर्ति है, पता नहीं, मालूम नहीं, अगर गलती से हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन ये दीवार पर बनाई गई है। और ये यहाँ पर डांस चल रहा है, कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी नया है रिवर फ्रंट, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलाकार आए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, नंदी जी बने हुए हैं, और ये नंदी जी कलाकार भी बना हुआ है। और लोगों का मन बहलाते हुए, लोगों को और रोमांचित करते हुए शिव भगवान के भजन चल रहे हैं यहाँ पर। कॉपीराइट की वजह से आवाज़ कम कर दी गई है। और ये अलग अलग प्रकार के मंदिरों में इनके अंदर अलग अलग अद्भुत चीज़ें बनाई गई है। ये देखिए, मंदिर के में अंदर अद्भुत चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर लाइट, डेकोरेशन की लाइट, बहुत अच्छी लाइटें लगाई गई है। और ये लोगों का मनोरंजन करते हुए, और ये अग्नि, ये मंदिर के अंदर एक ये अद्भुत चीज़ है लाइट डेकोरेशन से, और ये दूसरे के अंदर ये रोशनी आती हुई, तीसरे के अंदर शायद दोनों तरफ गमले रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं। और ये सामने आईना है, शायद अंदर जाना मना है, गार्ड ने मना कर दिया है अंदर जाना। बाहर से आप देख सकते हैं इसको, बड़ा सा गेट। ये रोशन घाट पर पहुंच चुके हैं हम। कई कई अलग अलग प्रकार के घाट बनाए गए हैं यहाँ पर, सबको अपना नाम दिया गया है। सभी घाटों का नाम मैंने लिया नहीं इसमें, बट जहाँ पर कोई नज़र आया है वहाँ पर मैंने हर घाट को बारे में बताया है। और स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार ये घाट बने हैं, निर्माण हुआ है नीचे से, नदी के नीचे से, जहाँ से काम चला है उस टाइम से ही मेरा चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। जो जानना चाहे, जानना इच्छुक है किस प्रकार इसको बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये खंभे लगाए गए हैं जिन पर फायर का ये बनाया गया है सिंबल, फायर टाइप एक चीज़ बनाई गई है। ये घंटी घाट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट बेल लगाई जाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। अभी लगाया नहीं गया है, बन तो चुका है लेकिन लगाया नहीं गया है। यहाँ पर सामने स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस पर लगेगा ये। और यहाँ पर थोड़ा सा ये बीच में घास वगैरह है, ग्रीन गार्डन वगैरह बनाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर घंटा लटकाया जाएगा, अभी फिलहाल लटकाया नहीं गया है। काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है, घंटी भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर सुख सुविधा भी है, आदमी और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए ये होना भी ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा है, सुविधाएं होना ज़रूरी है। और इसमें अभी खाने पीने के लिए भी कुछ धीरे धीरे हो जाएगी सुविधाएं, अभी स्टार्टिंग हुआ है। ये देखिए घंटे का यहाँ लटकाया जाएगा। ये पुरानी इमारत है, ये काफ़ी समय की से पुरानी इमारत है, इसको तोड़ा नहीं गया है, इसको शायद अभी बदला नहीं गया है यहाँ पर।
बाद में देखते हैं क्या बनाया जाएगा यहाँ पर। ये देखते हैं, ये टेंट के अंदर घंटा रखा हुआ है, अभी बारिश हुई थी तो यहाँ पर इसको कवर किया गया है और इसी के अंदर घंटा रखा हुआ है। कुछ समय में नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे, जब घंटा भी लटक चुका होगा, देखते हैं किस प्रकार घंटा लटकाया जाएगा और किस प्रकार इसको बजाया जाएगा। 8 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आएगी तो पता करेंगे। मेरा घर नज़दीक ही है यहाँ पर, मैं यहीं रहता हूँ पास में, आता रहेंगे चंबल रिवर फ्रंट पर। अभी बस टिकट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ऑनलाइन ही टिकट है, QR कोड जिसका निकल गया वही आ सकता है। टिकट चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर अभी पब्लिक काफ़ी आने लग जाएगी, क्योंकि बहुत लोग आने के लिए उत्साहित हैं यहाँ पर, और होना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर। चंबल रिवर फ्रंट पर काफ़ी पैसा लगाया है और काफ़ी डेवलपमेंट किया है घाटों को, दोनों साइडों पर नदी के किनारों को। ऐसा शायद ही अपने देश में कहीं और जगह हो, और भी है रिवर फ्रंट, लेकिन इतना स्ट्रक्चर, इतने घाट कहीं भी नहीं बनाए गए हैं जैसा कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर बनाया गया है। क्या सुंदर बिल्डिंग है ये, यहाँ पर ऑफिस वगैरह भी है और आने वाले समय में शायद रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल जाए। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू और छोटे छोटे स्टैचू भी लगाए गए नीचे। ये मैं हूँ, मेरा भी वीडियो मैंने ले लिया इस चैनल इस पेज में, लोग तो मुझे भी देखें कि ये जिसका चैनल है वो कैसा दिखता है, कौन है। कि ये मेरा चैनल है, काफ़ी समय से अपडेट कर रहे हैं वीडियो। देखते हैं आगे, चलते हैं घाट पर। अभी नीचे जाना बंद है, नहीं तो नीचे जाकर दिखाते आपको और भी अच्छा व्यू। ये आगे देखो, इस प्रकार यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं और उसके पीछे के साइड, बैक साइड पर ही मेरा मकान है और यहाँ पर काम चल रहा है। अभी सामने वाटर पार्क नज़र आ रहा होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लाइटिंग भी नज़र नहीं आ रही है इस पर। जैसा कि आपको आवाज़ आएगी क्योंकि ढोल नगाड़ों की, यहाँ पर ये कार्यक्रम प्रस्तुति देते रहते हैं यहाँ पर रिवर फ्रंट पर। अभी जैसा कि आपने देखा वहाँ पर शिव परिवार की जगह पर, गांधी जी की जगह पर, ये यहाँ पर भी ढोल नगाड़े के साथ प्रस्तुति कलाकार चल रहे हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको ये रिवर फ्रंट के घाट, उस प्रकार ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और ये यहाँ पर हवा महल भी नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा हवा महल बनाया गया है यहाँ पर।
ये रिवर फ्रंट पर इस प्रकार ये स्टेचू काफ़ी नीचे से निर्माण किया गया है, इसका काफ़ी मजबूत है ये। संपूर्ण जानकारी भी पूरी बनी हुई है, धीरे धीरे इनको पहचानेंगे ये कौन सी इमारत बनाई गई है, किस जगह पर क्या बनाया गया है मंदिर। ये अब ये दीवार देख लीजिए आप, काफ़ी अलग ही लग रही है। सेल्फी भी ले लेते हैं एक दो। अच्छे घाट निर्मित हो चुके हैं, ये सामने देखिए इस प्रकार ये नीचे भी काफी अच्छा फर्श तैयार किया गया है पत्थरों से। हम पहुंच चुके हैं एलईडी गार्डन में, और ये एलईडी गार्डन पर पहुंच चुके हैं हम, जहां पर लाइटिंग के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और जहां पर अभी शायद एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देखिए जिस प्रकार ये लाइटिंग डेकोरेशन पेड़ है, लाइट वाले पौधे, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो अभी आगे जाना बंद है यहाँ पर। जिस प्रकार ये देखिए आप आगे देख रहे होंगे गार्डन को, इस एलईडी गार्डन पर सभी पौधे लाइट वाले हैं, जहाँ पर लाइटें जलती है डेकोरेशन होता है शानदार। ये कंप्लीट हो चुका है बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस प्रकार यहाँ पर ही रिव्यू फ्रंट का एंड करते हैं और चलते हैं बाहर की साइड रिवर फ्रंट पर, जहाँ पर दिखाते हैं कहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। जाते वक्त मैंने दिखाया नहीं बट आते वक्त मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। श्री अशोक गहलोत जी, श्री शांति धारीवाल जी का यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। आइए बाहर चलते हैं, ये अंदर का नज़ारा, और हम बाहर चलते हैं जहाँ पर अभी काफ़ी लोग पहले में आया था जब अंदर जाने के लिए जिद कर रहे थे, बट अभी एंट्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो अब समय भी काफ़ी हो चुका है, टाइम हो चुका है क्लोजिंग का, 8:30 बज चुके हैं, एंट्री बंद हो चुकी है, आने की ओनली जाने की है। और ये इस प्रकार ये मशीनें लगाई है जहाँ पर आपको ऑनलाइन QR कोड लगता है तो यहीं स्कैन किया जाता है वो। और हम बाहर आ चुके हैं रिवर फ्रंट कर, रिवर फ्रंट पर घूम कर आ चुके हैं बाहर, जहाँ ये बाहर की तरफ आप देख सकते हैं डॉल्फिन लगाई गई है यहाँ पर। ये खिड़कियाँ, गेट, ये इमारतें, यहीं से टिकट काउंटर बनेगा और यहीं टिकट दिया जाएगा। और बाहर पर ये काफ़ी सुंदर व्यू, ये यहीं से टिकट कटेगा यहाँ पर, और काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए भी, काफ़ी जगह अवेलेबल कराई है, तो काफ़ी लोग आएंगे साधन लेके आते हैं, आजकल सबके पास बाइक कार होती है तो सब साधन से ही आते हैं।
तो उनकी खड़ी करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी जगह है लंबी चौड़ी। ये देखिए जिस प्रकार ये यहाँ पर बाइकें खड़ी है, उस साइड पर कारें खड़ी है। अभी एंट्री ऑनलाइन है इसलिए पब्लिक कम है, जिस दिन टिकट के अनुसार हो जाएगी, टिकट से अंदर जाएंगी पब्लिक, तो काफ़ी लोग आने लगेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैं मेरे घर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पैदल ही चला जाऊँगा। बाइक भी नहीं लाया क्योंकि यहाँ खड़ी करनी पड़ती, इसलिए मैं घर पे ही खड़ी करके आ गया हूँ। ये देखिए इस तरफ चलते हैं, यहाँ एग्जिट का बोर्ड लगा है, तो बने रहिए चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए किस प्रकार के और वीडियो बनाएं, शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।